मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार अपनी सीमा पर है। जनपद पंचायत नरसुल्लागंज के ग्राम पंचायत जोगला अंतर्गत आने वाले बीटुला में अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। यहां बीटुला में तालाब के सौंदर्यकरण के लिए शासन द्वारा 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन सरपंच सचिव की मिलीभगत से निर्माण में तालाब के घाट पर नाम मात्र का बेस डाला जा रहा है, जिससे कि नीचे की मिट्टी साफ दिखाई दे रही है। वहीं सरिया भी घटिया क्वालिटी के डाले जा रहे हैं। इस संबंध में जब सीईओ वृंदावन मीना इस बात से पल्ला झाड़ते हुए नजर आई कि वहां पर बेस है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनपद सीईओ वृंदावन मीना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण करने वाले ठेकेदार के द्वारा घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। हमने इंजीनियर को बताया लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। इसमें साफ उजागर हो रहा है कि अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये क्या निकल रहा है? आप जो अपने पैर से निकाल रहे हैं धूल और रेत। धूल और रेत, ये कहां पर है इस समय? बीजला में। कहां पर? बीजला मेन रोड पे, सियोर रोड। सियोर रोड पे। ये कहां पर काम चल रहा है इसमें? तालाब पर। तालाब बन रहा है ये। तो ये क्या घाट का निर्माण हो रहा है? जो तालाब घाट बन रहा है। तो ये क्या इसमें यहाँ पर जो है आप दिखा रहे हैं इस समय, ओ ये मट्टी के सिवा और कुछ चीज़ें हैं? मसाला है कुछ इसमें? मतलब जैसे कि वो इसमें बेस डाला जाता है इधर है, इधर नहीं। हाँ, इस साइड भी जो बेस है तो वो किस टाइप का दिख रहा है? मोटे गिट्टे हैं। और इसके अलावा बस कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मिश्री लाल मेहरा। कहाँ के निवासी है? बिजला के। ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? जोगला पंचायत है। तो यहाँ पर ये तालाब का जो काम चल रहा है ये कैसा चल रहा है? सब लीपा पोती का काम चल रहा है। लीपा पोती का। तो यहाँ पर जो तालाब में इसमें नीचे की ओर जो घाट बन रहा है इस पे बेस डालना था, तो इस पे बेस डाला गया? नीचे फुट्टी का बेस डालना था, इसमें गिट्टे डाले मोटे मोटे। हाँ, और बाकी रेत बिछाई नदी की। नदी की रेत? ये काली मट्टी वाली रेत है ये। तो इसमें यहाँ पर गिट्टी का माल डालना था, इसमें लेकिन नहीं डाला। यहाँ पर जाल बिछा दिया गया और तार का जाल भी बिछा दिया गया। ये सुंदरीकरण का काम चल रहा है तालाब का, ये महीने से दो मतलब साल भर के लगभग हो चुका है। हाँ, कोई काम में सुधार नहीं है। सब तालाब काम चल रहा है ठेकेदारों को, इसमें बहुत समस्या उलझ रही है। जैसे कि जिस तरह से काली मट्टी के ऊपर जो है इन्होंने तार का जाल बिछा दिया, यानी तार का जाल बिछाने के बाद ऊपर से माल डालने की तैयारी है, तो इसमें नीचे की ओर बेस भी तो नहीं किया गया? नहीं, इसमें तो बहुत नीचे से ही इसका हालात ख़राब है। हाँ, नीचे से ही इसकी सुधार नहीं पक्की हुई तो नहीं आएगी। अच्छा, ये तालाब का घाट निर्माण का है मामला जी, और एकदम घटिया काम हो रहा है ये। लगभग एक साल ही होगा इसको काम चलते हुए, और मैं तो आज पहली बार ही देख रहा हूँ आपके माध्यम से, और इसको सही कराने के लिए हम बोलेंगे। ये बेस तो डलना चाहिए, तार बगैर बेस के नहीं होगा। और ये तार भी क्या सही नहीं बंधे हुए हैं? 8 mm तार डाल रहे हैं, 8 mm के तार है या 10 mm के सरिये लगना चाहिए। बेस की जहाँ तक बात है, बेस तो डाला है, हम खुद देखे हैं उसको। तार का आप जो बोल रहे हैं तार डलना है, तो उसको दिखवा लेते हैं क्या जो निश्चित दूरी उस पर डालना है, उसको कम ज़्यादा है बता रहा हूँ आपको। देखा हूँ, खुद देखा हूँ, बेस डला है। बेस की क्वालिटी या तार की बात कर रहे हो, दोनों जगह परीक्षण करवा लेंगे, बेस डला है।